प्रार्थना सभाएं हुई, विशेष गीतों को गाया गया, बहुत सारे लोग थे और प्रभु यीशु मसीह का जो है सो भजन कीर्तन संगीत और उसके बाद जो है सो कैंडल जलाया गया और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लोग अपने घरों में एक दूसरे को गांव के लोगों को बुलाएंगे, आज दिन भर लोग आते रहेंगे कैंडल जलाने के लिए, पूजा करने के लिए सब संप्रदाय के लोग आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं kositimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा के प्रतिष्ठित चर्च में हैं और आज क्रिसमस डे है। यहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों की काफ़ी भीड़ है, चर्च में लोग प्रे करने के लिए आ रहे हैं और यहां क्या कुछ हो रहा है हम यहां बात करेंगे। फादर हैं यहां पर, क्या कुछ आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज प्रार्थना सभाएँ हुई, विशेष गीतों को गाया गया, बहुत सारे लोग थे और प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनाया गया, प्रेम क्षमा शांति का। क्या महत्व होता है इस पर? प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज 2021 साल पहले हुआ था, उसी को हम लोग स्मरण में करते हैं। और दिन भर में क्या क्या कार्यक्रम हो? आज दिन भर में लोग अपने घरों में एक दूसरे को गांव के लोगों को बुलाएंगे, आज दिन भर लोग आते रहेंगे कैंडल जलाने के लिए, पूजा करने के लिए सब संप्रदाय के लोग आएंगे। बधाई दे रहे हैं आज एक दूसरे को यीशु की जन्म दिए दिए यीशु का बधाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडल जलाया जा रहा है और चर्च में आज सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग यहाँ कैंडल जला रहे हैं, अंदर में प्रे भी किया गया है और आज प्रभु यीशु का जन्मदिन है और इसी जन्म उत्सव को लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं और जिस तरह से एक दूसरे को गले मिलकर हाथ मिला करके बधाइयाँ भी दी जा रही है। शुरू सुबह से ही यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम रहा? सवेरे से प्रार्थना हुआ, उसके बाद जो है सो भजन कीर्तन संगीत और उसके बाद जो है सो कैंडल जलाया गया और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं क्रिसमस की, यीशु मसीह के जन्म उत्सव का, ताकि जो है परमेश्वर का जो प्रेम बांटने का है वो एक दूसरे से हम लोग बांटें। परमेश्वर ने जगत के लोगों के लिए अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करेगा वो नाश न परंतु अनंत जीवन का भागीदार हो जाए। आज शाम तक क्या कुछ और भी कार्यक्रम हैं? आज शाम तक तो अब प्रोग्राम शाम के तक तो नहीं कुछ है, क्योंकि इससे पहले ही 24 तारीख को कैंडल नाइट और उससे पहले गिफ्ट एक्सचेंज, ये सब 23 दिसंबर को, मतलब 1 दिसंबर से ही आरंभ हो जाता है और इसमें जो है तमाम प्रकार की बातें जो हर एक दिन हर एक घर जा जा के लोग क्रिसमस की बधाइयाँ कैरल सिंगिंग के रूप में जाकर प्रत्येक परिवार को और मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियाँ बनाते हैं और एक दूसरे से प्रेम से। तो जो यहाँ चर्च का जो माहौल है वो एकदम खुशनुमा माहौल है, बताया जा रहा है कि यीशु के जन्मदिन पर लोग एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। तो वहीं हालांकि यह पर्व जो है सो अलग अलग जगहों पर भी मनाया जा रहा है, कई संघ संस्थाओं के द्वारा भी कल से ही यह मनाया जा रहा है और इस पर्व को लेकर मधेपुरा वासियों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सुबह से ही चर्च में लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर आ रहे हैं और एक दूसरे को यीशु के जन्मदिन की बधाई दे रही है। हमने यहाँ के जो फादर हैं उनसे भी बातचीत किया है, उन्होंने भी बताया है कि जो यह कार्यक्रम का सिलसिला 1 दिसंबर से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो 24 दिसंबर की शाम और 25 दिसंबर का जो दिन भर होता है, बड़ा दिन और क्रिसमस का जो डे मनाया जाता है वो, हालांकि मधेपुरा में कई संघ संस्थाओं ने भी ये मना करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आप देख रहे थे kositimes.com, फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।